क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश है, आप लोगों ने काफी लोगों के मुंह से सुना है कि वो लोग अगर कुछ बाय कर रहे हैं तो वो बाय कर रहे हैं BTC, राइट? और कोई क्रिप्टो करेंसी का नाम लेते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि इथेरियम, राइट? तो ज्यादा लोगों के मुंह से सुनोगे कि बिटकॉइन की बाइंग हो रही है, इथेरियम की बाइंग हो रही है और ज्यादा करके ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग नहीं हो रही है। और कल एक कॉमेंट आया था कि कहीं ना कहीं सब लोग बिटकॉइन और इथेरियम को पंप कर रहे हैं और इसीलिए सब लोग यही बोल रहे हैं। वेल गाइस, मैं और अगेन मैं अपना रीजन बताना चाहूंगा कि मैं क्यों BTC और ETH बोलता हूं और कोई ऑल्ट कॉइन नहीं बोलता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं और मैं भी चाहता हूं कि ऑल्ट कॉइन्स ऊपर आए, 10x, 20x, 100x करें। ऑल्ट कॉइन्स का एक सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे लेट्स से कि ईओएस है और इथेरियम है, अगर ईओएस को बोला कि इथेरियम क्लियर किलर है तो मेरे को मन दिमाग में क्या जाता है कि चलो ईओएस भी $100 जाएगा, ईओएस भी $200 जाएगा, ईओएस भी $1000 जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल XRP का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि XRP बिटकॉइन को बीट करेगा तो मतलब XRP भी $100 जाएगा, $200 जाएगा, $300। ऑब्वियसली हमारा जो रुझान है ऑल्ट कॉइन की तरफ जाता है। हम चाहते हैं डेस्परेटली कि ऑल्ट कॉइन जो है वो अच्छा परफॉर्म करे इथेरियम और बिटकॉइन से। क्यों? क्योंकि उनकी होल्डिंग ज्यादा है। अगर अपने पास 10 इथेरियम है तो अपने पास हो सकता है 1000 XRP होगा या 5000 XRP होगा या 10000 XRP होगा या 10000 इथेरियम हो, 10000 ईओएस होगा। तो सोचो अगर 10000 ईओएस और $100 भी जाता है तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, राइट? सो कलेक्टिवली जो क्रिप्टो कम्युनिटी में है वो चाहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स बढ़े, ऑल्ट कॉइन्स को पंप किया जाए, ऑल्ट कॉइन्स को प्रमोट किया जाए। और ये कोई कौन नहीं चाहता, ये मैं भी चाहता हूं कि मेरे ऑल्ट कॉइन्स बढ़े क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के नंबर ज्यादा है। बट गाइस, रियलिटी कुछ और है। अब हमारे मन से तो मार्केट चलता नहीं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करने के लिए, बड़े होने के लिए उनमें कुछ फंडामेंटल्स होना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आपको मालूम है ओपन सोर्स होता है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी ग्रो होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो करंट यूटिलिटी, अभी आप वो क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या कर सकते हो। एंड नंबर टू, डेवलपमेंट, उस पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर आज पूरा कॉइन मार्केट छान मारोगे तो बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा डेवलपमेंट किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं हो रहा है। और मैं आपको कुछ नंबर्स दिखा दूं, मैं हवा में बात नहीं करना चाहता हूं, करेक्ट? तो अगर आप ये देखोगे, इथेरियम हैज 30 times मोर डेवलपर्स कम्युनिटी देन एनी अदर ब्लॉकचेन। अभी इथेरियम ने डेवकॉन किया था, आई गेस प्राग में था, राइट? सबसे बड़ी डेवलपमेंट कम्युनिटी अभी इथेरियम के पास है। सबसे ज्यादा डैप्स की बात करो, कुछ मोर देन 2000 डैप्स आज इथेरियम के ऊपर है, ठीक है? तो आप देख रहे हो इथेरियम की डेवलपमेंट कम्युनिटी भी ज्यादा है, डैप्स भी बहुत सारे बन रहे हैं और इनका कुछ यूज केस है। अगर आप दूसरा आर्टिकल देखोगे तो 10 मोस्ट पॉपुलर प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ पे जो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के अलावा खाली एक ही पब्लिक ब्लॉकचेन आ रहा है वो इथेरियम। कौन कौन से हैं 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म अगर मैं दिखाऊं तो इथेरियम आया नंबर 1 पे, बाद में बिगचेन डीबी, हाइपर लेजर। हाइपर लेजर ये सब प्राइवेसी है तो इनका कोई कॉइन्स नहीं है। हाइपर लेजर सीडीओ, इनका कोई कॉइन्स नहीं है। हाइपर लेजर, इनका कोई कॉइन्स नहीं है। हाइड्राचेन, आई एम नॉट श्योर कि हाइड्राचेन का भी कोई क्रिप्टो करेंसी है जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म सबसे नंबर 1 पे इथेरियम आता है। इथेरियम के पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है और क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। वो कम्युनिटी शायद चाहे इन्वेस्टर्स की हो, वो कम्युनिटी चाहे एंटरप्रेन्योर्स की हो, वो कम्युनिटी चाहे डेवलपर्स की हो, जो कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं, वो कम्युनिटी शायद इन्वेस्टर्स की हो, तो कम्युनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक हम लोग ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखा है कि सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा इतनी बड़ी डेव कम्युनिटी किसी के पास नहीं है। नॉट ओनली डेव कम्युनिटी बट उनका यूटिलिटी, जितना उनके पास यूटिलिटी है उतना यूटिलिटी किसी भी कॉइन्स में फिलहाल नहीं है। बाकी के जो कॉइन्स हैं, जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है, उनको मच्योर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये है बेयर मार्केट, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता, लोगों ने देखा है। तो जब आपके पास इतनी सारी अनसर्टेनिटी है कि मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता, आगे जाके क्या होगा, तो आप किसको ट्रस्ट करोगे? आप किस पे सर्टेन ज्यादा होगे? आप उस पे सर्टेन ज्यादा होगे जिसका ऑलरेडी यूज केस है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। अगेन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग कि ऐसा हो सकता है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं
बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है क्वाइन मार्केट में, वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एक कमेंट था जिसमें कि नो बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी 10 गुना बढ़ेगा, 20 गुना बढ़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये नहीं पता कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स होंगे जो बढ़ेंगे, यही रिस्क है, करेक्ट। सो अगेन मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि दम है और आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, कम्युनिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज राइट टाइम टू गो अहेड। अगेन मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देना चाहता हूं, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि राइट नाउ जब इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो आप उस पर ट्रस्ट करना चाहते हो जिसपे ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है, ऐसे नेटवर्क्स जिसपे ऑलरेडी कुछ बिल्डिंग हो रही है, और बिटकॉइन और ईथर के अलावा ज्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज आप ये भी देखते हो कि विटालिक ने कल ट्वीट किया था कि बहुत सारे क्रिप्टोकरेंसीज जीरो भी जा सकते हैं, प्लीज नॉट इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, राइट। आप देखते हो ऐसे लीडर्स, और किसी ने कमेंट किया था कि भाई तुम इथेरियम क्रिएटर हो और तुम बोल रहे हो इथेरियम जीरो भी जा सकता है। यू सी कि ये बंदा इथेरियम का क्रिएटर है तो भी शिल नहीं कर रहा। आपने ट्रॉन वालों को देखा होगा, जस्टिन सुन को, राइट, वो हमेशा शिल करते रहता है कि ट्रॉन ये करेगा, ट्रॉन वो करेगा, ट्रॉन ये प्राइस में जाएगा, बट ये बंदा क्रिएटर होके भी बोल रहा है कि बॉस बी केयरफुल। तो आप देख रहे हो कि जेन्युइनिटी कितनी आ रही है। ये जो बिटकॉइन और इथेरियम जो नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई शिलर्स नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन काम चल रहा है। जो भी डेवलपर्स हैं सच्चे में डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स है सच्चे में लोग बिल्ड कर रहे हैं, और सब कुछ अपनी आंखों के सामने है। आप डेवलपर्स को देखना है, डैप्स को देखना है, सारे डैप्स कौन कौन से हैं, पूरा आप यहाँ पे आंखों के सामने देख सकते हो, और वहीं पे सर्टिनिटी ज्यादा होती है जहां पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हो रहे हैं। और यही एक कारण है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं वो BTC को ही हाथ लगा रहे हैं ETF के लिए, और दूसरी क्रिप्टो करेंसी के लिए हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके यूज केसेस देखना बहुत जरूरी है गाइस। सो ये एक मेन रीजन है जो मैं बोलते रहता हूँ कि काफी लोग इसके ऊपर बुलिश ज्यादा है, BTC और ETH को ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं फिलहाल बेयर मार्केट में देन ट्रस्टिंग एनी अदर क्रिप्टो करेंसीज। एट द सेम टाइम मैं एक और इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन SV का प्राइस जो है कल $100 क्रॉस हो गया था। तो ध्यान रखना, क्योंकि बिटकॉइन SV का जो प्राइस है, और आपको तो मालूम है कि बिटकॉइन SV और बिटकॉइन कैश का बहुत फाइट चल रहा था। तो मुझे लगता है कि अगेन मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन कैश जाके बाय करो या मत करो, बट मैं बोल रहा हूँ जैसे बिटकॉइन SV का प्राइस पंप हुआ है $100, मुझे लगता है कि रॉजर वेल भी बिटकॉइन कैश का प्राइस पंप कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन कैश का प्राइस 108, तो बहुत इन दोनों में फाइट चल रही है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि बिटकॉइन कैश का क्या होगा। सो आई थॉट जस्ट कि मैं आपको नोटिस में दिला दूं, क्योंकि बिटकॉइन कैश SV और दोनों फाइट चल रहे हैं, और आई थिंक वहां पे कुछ मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। सो आई गेस गाइस ये रीजन है बिटकॉइन को और इथेरियम के बारे में ज्यादा बात करने के लिए, कल मैंने बताया था आपको, और कोई और रीजन नहीं है, और कोई शिलिंग यहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करें, बट अगर हमारे चाइनीज से कुछ नहीं होता, उनको यूटिलिटी होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप कि इट मेड एनी सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी बंदे। Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye-bye.